हम जो बोला थे इका समझ में नहीं आवा थे इका समझा दे। ओके सर। वो कोड का की बताने को बोलो। मिसाइल लॉन्च करने का कोड बताने को कह रहे हैं। मुझे मार भी दो तो फिर भी नहीं बता। अरे इका मार दो का। अरे हम इसे मार देंगे तो कोड हमें कैसे मिलेगा। अरे तो जवाब में ताला लगा। इस प्लेस में सिगरेट पीना मना है मालूम है ना? अरे तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? वैसे भी ये सिगरेट का मजा ही नहीं आ रहा है। बोला तो हर्बल सिगरेट कुछ भी नहीं है। जल्दी खत्म करो पी के, बॉस देख लिया तो मार डालेगा। देखने का क्या है, मैंने देख ही लिया, छोड़ूंगा थोड़ी। पकड़ी गई, दफा हो जा। अगर तुमने कोड नहीं बताया तो हम दोनों को मार देंगे। तुम एक जान के लिए लाखों की जान दांव पे लगा दोगे क्या? मैंने इन्हें कोड बता दिया तब भी ये मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज, मेरे बीवी बच्चे हैं। मेरे भी हैं। ए, अरे शैतान का बच्चा। इतने बार बोले तो भी नहीं बकता। अरे कोड को टाइप करने बोलना। अरे हम पूछ रहे थे तेरा खाए रहे हो। पता नहीं क्यों मेरी खांसी नहीं रुक रही है, अब मैं क्या करूं? अरे पानी पीवा। कोई बात नहीं, छोड़िए सर। अरे इधर से खसकोगे या हमारे हाथ से मारोगे? सॉरी सर। स्कॉट बोल रहा हूं। तुम वहां पे लेट पहुंचे क्या? अरे फोन क्यों कर रहा, चाहता क्या है? मैं लोकेशन पहुंच गया हूं। मैं भी यहीं पर हूं। आखिर तो चाहता क्या बताना? केसी मुझे फोन पे नहीं मिल रही है। तो हम चले क्या? हाँ आओ चले। हेडक्वार्टर्स, हमने टारगेट को देखा है, हम लोग अब अंदर जाने की सोच रहे हैं। आप लोग वहाँ मत जाओ, वहाँ सिचुएशन बहुत खराब है। मिशन क्लोज करो। इस समय मिशन क्लोज करने का मतलब क्या है? हमारे दो आदमियों को उन्होंने पकड़ रखा है, उनमें से एक डेल्टा है। सिर्फ दो आदमी के लिए देश की इज्जत को दांव पे लगाएंगे क्या? मेरी बात सुन रहे हो ना कीत? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहता, ओवर। चलो तुम आ रहे हो कि नहीं? आओ हम चले। हम जब पूछे तो उसका जवाब नहीं दे तो। अरे आप इस तरह मरते जाएंगे तो हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? तुमको भी मरना है का? सबका खात्मा कर दो। अरे सब अमेरिकन लोगों का भलकम है यहाँ। हमारे लोग अंदर है ये पता था, लेकिन कौन है ये पता नहीं था। मैं ही हूँ कहकर तुझे पता नहीं चला?
तुम हो गए ये सोचाना था। किस्मत अच्छी है, बच गए। आप लोग कौन हैं? सर्बियन गवर्नमेंट में काम करते हो क्या? आप कुछ भी समझ सकते हैं। अभी ये काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम्हारी गवर्नमेंट मुझे काम देगी क्या? इतना सीन नहीं है आपका। मैं अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ लेकर आऊंगा। नहीं देंगे, पहले ही लॉस में चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट हमको ही जॉब नहीं मिलती। आप अपने गवर्नमेंट से पूछते नहीं क्या? और ऐसा किया तो बीच सड़क में खत्म कर देंगे, समझ गए? जिसको जान प्यारी होती है वो जॉब नहीं मांगता। हाँ, जान तो है सबसे पहले। जिंदा रहेंगे तो भीख मांग के भी जी सकते हैं। मेरे पिताजी बहुत बड़े जीनियस थे। अगर वो जिंदा होते तब तक इसका आविष्कार हो गया होता। तो क्या हुआ, उनकी जगह तुम बैठे हो? मेरे पिताजी ने मुझ पे बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो। इस फील्ड में मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, वो मदद करेंगे। कोई जरूरत नहीं, तुम मेरा इस्तेमाल कर लो। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। तुम थोड़ा ट्राई करके देखो निकोलस, ये प्रोजेक्ट तुम्हें किसी भी तरह खत्म करना होगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कुछ भी हो, जो मुझे पसंद है वही करता हूं मैं। ह्यूमन इंटरेस्ट पार्टी की 19th एनिवर्सरी में आने के लिए आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस दुनिया को जो बदल दे उसमें ही इन्वेस्ट करना हमारा गोल है। हर साल हम ये तो करते आ रहे हैं। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई दोस्त। और मुझे भी। और सुनो, जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि कॉफी मशीन में कॉफी नहीं है। क्या बोल रहे हो यार, चलो छोड़ो, काम शुरू करते हैं। और कैसे हो दोस्त, आज तो बहुत स्मार्ट नजर आ रहे हो। आज तुम कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। जेंटलमैन, हम अपनी मीटिंग कंटिन्यू करें क्या? पिछले साल हम अपनी सिक्योरिटीज बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मिलिट्री प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया था। वैसे हम लोगों ने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, 6 करोड़ का हमें फायदा हुआ था। ये इन्वेस्टमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। I'm sorry, क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ? अरे अब तुम्हारा बहुत हुआ, मुझे बात करने दो। हमेशा तुम यही तो करते हो, चलो शुरू हो जाओ। थैंक यू जेंटलमैन, हम सब के लिए मैं एक अच्छा सा आइडिया लेके आया हूँ। क्या कहा, फार्मास्यूटिकल? ये बेकार का काम है। देश को बढ़ाने के लिए हम करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ड्रग्स का बिजनेस करें? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मामूली ड्रग नहीं है, एक बार पढ़ के तो देखिए। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? वो सही है या गलत है बात की बात है। ये ड्रग नाजी के टाइम का बनाया हुआ है, क्या ये लीगल है? हमारा लास्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया जो था स्टालिन के टाइम में सोवियत यूनियन से ही लिया था। इसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए ही इस बोर्ड को क्रिएट किया गया है, ये आप सब जानते हैं ना। ऐसे प्रयोगों को बंद कर देना चाहिए, ऐसे मैं मानती हूँ। ये हमेशा ऐसी बोलती रहती है। हम सब की भलाई के लिए तो कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये सब वर्कआउट होने वाला है। अरे एक मिनट रुकिए, लगता है कुछ लोग यहाँ नए आए हुए हैं, पुराने लोग भी कुछ बातें भूल गए हैं क्या? 5 साल से ये बोर्ड सक्सेसफुल चल रहा है करके वो इन्हीं के आइडिया की वजह से, इसलिए हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे। थैंक यू, हमारी गवर्नमेंट ही इसमें इन्वेस्ट करेगी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जरूर कोई खास बात है। इन्वेस्ट करते थे पहले, लेकिन अब तो बंद कर दिया है ना। हाँ, इसका मतलब कोई कारण तो होगा ना।
जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? मनुष्यों के सारे रोगों को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नए ड्रग का आविष्कार किया है, इससे उम्र ज्यादा नहीं बढ़ती। ये सब बेकार की बातें हैं, इसकी वजह से एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। अगर आपको उनकी बात ज्यादा पसंद है तो बाहर जाके बात करो। तुम किससे बात करो ये जानते हो क्या? दोस्तों जरा शांत हो जाइए। युद्ध के लिए आर्मी ही काफी होती है, और अगर युद्ध जीतना हो तो हिम्मतवर और ताकतवर लीडर चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये प्रोजेक्ट मुझे पसंद है, मैं इसी में इन्वेस्ट करूंगा। आप लोगों की राय? इस प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट का नाम जानते हो क्या? यस, नाम जानता हूं, डॉक्टर निकोलस बर्गमैन। आई एम सॉरी अंदर हुए मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं जानता हूं बिजनेस में ऐसा होता है। उस साइंटिस्ट से हम पर्सनली बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। जून की 11 तारीख 2013। मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। मेरे पास जितना पैसा था सब खर्च हो गया है। एक्सपेरिमेंट 40B-2, ये एक रिजल्ट आया है। 40B-1 जैसा ही है, लेकिन प्रोसेस इसके पहले के मुताबिक 5.5 की स्पीड से हो रहा है। यही सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है, समझे? अगर सही कहूँ तो इसे करने के लिए मुझे 21 घंटे लगे। और कुछ दिनों में ह्यूमन इंटरेस्ट वाली पार्टियां इन्वेस्ट करने के लिए आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग आकर मैंने जो एग्जांपल्स किए हैं उसे देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेरे पिताजी ने जो रिसर्च बीच में छोड़ दिया मैं उसे पूरा करूंगा, और उसी से जितना मैं चाहूंगा मुझे पैसा मिलेगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो वो भगवान भी किसी को नहीं बचा पाएगा। Is this supposed to feel right? 'Cause I got student loans, I got aching bones. When did 17 disappear? They say just buy a white dress, build your own nest, stay the course, don't you? The place where I can live with faith.
छोटी से बात के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिशन भी तो सक्सेसफुल रहा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने मुकाबला तो किया। हाँ 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 का मतलब क्या है भाई? अरे मैं जो बोल रहा हूँ तेरी दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं? अरे यार मैं इतनी बकबक किए जा रहा हूँ और तू उसका जवाब भी नहीं दे रहा है। तुम्हारे वजह से ही वो ट्रांसलेटर मर गया ना? वो हमारी वजह से थोड़ी मरा है। अगर मैं उस वक्त अंदर आ गया होता तो तू मेरी बात नहीं मान रहा ना? तो फिर मैं स्कॉट पे कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं उसकी कसम खाता हूँ तो कभी झूठ नहीं बोलता, पता वो हमें ही मार डालता। वैसे मैं नहीं मानता। वो गोली मारना चाहता था, उसे पहले हमने मार दी। तो फिर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना था। हम किस पोजीशन में थे वो हेडक्वार्टर को कैसे पता चलता? तू तो जानता है फील्ड में एक सिचुएशन और हेडक्वार्टर में दूसरी सिचुएशन। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि सोल्जर्स को हमेशा ऑर्डर का ओबे करना चाहिए। मुझे पता चल रहा है कि तू रॉय की तरह बात कर रहा है। तुमको हम सैल्यूट करते हैं। मैं भी तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। तो फिर रॉय की बात है तू क्यों मानता है? क्योंकि वो हमेशा सही बोलता है। नहीं, वो हमेशा गलत बोलता है। यस, कम इन। आपकी टीम मिशन से वापस आ गई। बताने के लिए थैंक्स। जैसे जेल में खाना देते हैं वैसे ही हमें भी यहाँ दे रहे हैं। ये कोई इंसानों का खाना है? हमारे कैप्टन अब तक आए क्यों नहीं? हमें छोड़ के वेकेशन में चला गया होगा। वेकेशन? उनके लिए वेकेशन का मतलब ऑफिस में चेयर डाल के उस मिशन के बारे में सोचना। वैसे वेकेशन का असली मतलब क्या है कोई उन्हें समझाए तो अच्छा रहेगा। पहले तुम्हें कोई खिलाना सिखा दे वो अच्छा रहेगा। मुझे किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आया अभी तक? वो कैसी के बारे में सपने देख रहा होगा। तुम्हें कब क्या बातें करनी है पता नहीं है क्या? बचपन से मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो, वैसे ही रहता हूँ। अगर वो आपको स्कूल में ठीक ठाक पढ़ने के लिए कहती तो अच्छा होता। सीधे मुँह बातें नहीं कर सकते क्या? तुमसे बात करना ही मेरी मूर्खता है। ये भी तुम ही खा लो। ये क्या है, नया नंबर लग रहा है। कौन हो सकता है? कोई भी हो, एक मैसेज छोड़ देते हैं। आप कौन हैं मुझे पता नहीं, मैं बाथरूम में हूँ, कुछ अर्जेंट हो तो मैसेज छोड़ दीजिए। और एक बात, बाथरूम में पेपर नहीं है। ओह माय गॉड, इधर तो सच में पेपर नहीं है। हाय, कैसे हो दोस्त? हाँ अच्छा हूँ। एक्सरसाइज करनी हो तो मुझको देखो। ए, क्या हो रहा? पिछले मिशन में तूने कुछ गलतियां की थी, इसलिए इस मिशन में तुम्हारे बदले मुझे अपॉइंट किया है। चलो मैं अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ। इतना वेट मत उठा, नसें फट जाएंगी। आज मेरा करने का मूड ही नहीं है। सो मत, एक और बार ट्राई कर। ए केसी, तुम पीछे से कितने स्मार्ट लग रही हो पता है? मैं दिल से कह रहा हूँ केसी, हम लोग झगड़ा करना छोड़ देते हैं। ओके केत, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। इसका मतलब तुम मान गई ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं? हो तो तुम वो समझ रहे हो। हाँ मैं वही समझ रहा हूँ। क्यों ना हम लोग एक बैट लगाए, अगर तुम इसमें जीत गई तो तुम मुझसे प्यार करोगी। फिकर मत करो, मैं तुम्हें दिल में बिठा के रखूंगा, रोज डिनर पे बाहर लेके जाऊंगा। एक बार आंखें बंद करके सोचो तो सही, तुम मेरे साथ रहोगी तो कितनी खुश रहोगी। ये सब सोचते हुए तुम रात भर सोते नहीं हो क्या? और नहीं तो क्या, तुम सही बोल रही हो, रात को तुम्हारे ही तो सपने देखता हूँ। बहुत हो गया। कम ऑन, मुझमें क्या कमी है यार? मेरे जैसा खूबसूरत नौजवान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं सही कह रहा हूँ कि इस ड्रेस में तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या कर बैठा। जो ड्रेस कंफर्ट लगती है मैं वही पहनती हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहनने की जरूरत नहीं है मुझे। बेकार की बातें बंद करो। मुंह ज्यादा खुल के बंद कर। तुम्हारी फैमिली कैसी है रॉन? हाँ बहुत अच्छे हैं। आजकल वो चलने लग गया है, बात वत करने लग गया है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। अगर छुट्टी मिले तो मैं उसके साथ ही गुजारता हूँ, लेकिन समय बहुत कम मिलता है। हमेशा लगता है कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ। उसका बर्थडे कब है? 6 महीने और हैं।
मैंने उसके लिए गिफ्ट भी खरीद लिया है, रिमोट हेलीकॉप्टर। पता नहीं उसे पसंद आएगा कि नहीं। उसे डेफिनेटली वो पसंद आएगा। गिफ्ट की बात नहीं है, अगर तुम उनके साथ रहोगे तो वो खुश रहेंगे। इसलिए मुझे घर जाने का मन कर रहा है। मैं भी घर जाना चाहती हूँ। मैं उस मशीन में वर्कआउट करूँ? ओके, मैंने तो पूरा कर लिया है। ठीक है, इन दोनों से जरा संभल के रहना। अब बीच में तू क्यों डांगा डाल रहा है? कुछ करता नहीं, करने भी नहीं देता। मेरे ख्याल से कैप्टन के बाद हम दोनों ही यहाँ पे अच्छे लोग हैं। वो तो मैं भी जानता हूँ, बाकी सब पागल हैं। किसी में भी अच्छे लक्षण नहीं है। अरे बाप रे, इतना भारी कैसे उठा लेते हो? ए रॉन। बोलो रॉय। 45 मिनट में तैयार हो जाइए, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अभी तो एक मिशन कंप्लीट करके आए हैं। रॉय, तुम्हें पता है मुझे बेटे से मिलना है। रॉन, टेंशन मत लो, मीटिंग के बाद हमारी पर्सनल बातें कर लेंगे। मेरे बारे में ये कुछ भी नहीं जानते। मैं कितना परफेक्ट और स्मार्ट हूँ शायद इनको पता नहीं है। पता है मेरी गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए? स्लिम, खूबसूरत और अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। वैसे हो तो जिंदगी भर दिल में बिठा के रखूंगा। मैं अगर उस तरह से देखूंगा, मैं जहाँ भी बुलाऊंगा, कुछ भी करूंगा, वो आ जाएगी। जब देखो डेटिंग में जाऊंगा। वो तुम्हारे पीछे है यार। अच्छा तो मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग भूल गए हो? ओ, तो क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली केसी? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। वैसे मैं कह चुका हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और मैंने आज तक किसी लड़की को तुम खूबसूरत हो नहीं कहा है, सिवाय तुम्हारे। सिर्फ तुम्हें देख के ही कह रहा हूँ। तुम क्या कहते हो दोस्त? ये सपने में भी तुम्हें याद करता रहता है, पता है? तुम्हारी सुंदरता के आगे सब बेकार है। वैसे तुम्हारे दिल में क्या है बेधड़क कह दो, और सबका कहना है लव एट फर्स्ट साइट करके। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट लुक में ही तुमसे प्यार हो गया मुझे। तुम दिखने में कितने सुंदर हो। ये बात है। सच कह रही हूँ? सच में? चल बे सुअर की औलाद। अरे मैंने तो समझा कि सचमुच मुझसे प्यार करने लगी है। अल्फा स्कॉट, 45 मिनट्स में आपकी मीटिंग है। फिर दोबारा एक और रेस्क्यू मिशन? क्या हमें इंसान समझ रखा है कि ये कोलू का बैल? आपका कैप्टन कहाँ है? बाहर है, ढूंढ लो। आप जल्दी आ जाइए। मुझे एक आइडिया आया है, अगर इस मिशन में मैं एक्टिव रहा तो शायद मुझसे वो प्यार करने लगेगी। आप मुझसे कुछ कहने के लिए आए हैं? अगले 20 मिनट में आपकी टीम के साथ मीटिंग है। ओह, एक और मिशन है क्या? वो डिटेल्स मैं नहीं बता सकता, आप अच्छी तरह जानती हैं। लास्ट मिशन अभी तो खत्म किया है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं आ जाऊंगी। अपनी लास्ट मिशन के बाद उम्मीद है कि तुम लोगों ने अच्छा रेस्ट लिया होगा। जल्दी बुला रहा हूँ इसलिए माफी करना, एक और मिशन है। थैंक यू। तुम लोगों को जल्दी अपने आप को गियर अप करना होगा। वैसे एक और बात, पिछले मिशन के मुकाबले ये बहुत ही आसान है। आप गलत मत समझना, आपने तो कहा था कि हमें 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। प्लान बदल गया है, अभी मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। तो फिर ब्रावो या डेल्टा टीम को भेज सकते हैं ना? मैं इतनी बड़ी टीम बुलाकर उन रिसर्च वालों को परेशान नहीं करना चाहता। हमारी टीम को ही छोटी नजर से देखते हैं। चुप रहो, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कर देना। आप लोगों के साथ पहली बार मैं काम कर रहा हूँ इसलिए अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम रिक डालस है, इस मिशन का एडवाइसर मैं ही हूँ। ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि नेक्स्ट मिशंस की डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा। 2 दिनों के अंदर आपको यहाँ से निकलना होगा और 4 दिनों के अंदर मिशन स्टार्ट करना होगा। मैं पूछने वाला था, आप ही ने बता दिया। ये मीटिंग खत्म होते ही मिशन से संबंधित डिटेल्स आपकी टेबल पर पहुंच जाएंगे, उसी को दिमाग में रख के आपको फॉलो करना होगा। ऑल द बेस्ट। मिशन तो बहुत आसानी से बता रहे हैं, तो फिर किसी और को भेज सकते हैं ना? हमें हमेशा क्यों भेजते हैं? उन्हें पता है कि मिशन जितना भी मुश्किल हो हम उसे कंप्लीट करके ही आते हैं, इसलिए हमारी लीव भी कैंसिल कर दी। ये मिशन इतनी जल्दी आएगा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। कम ऑन कैप्टन,
वो हमेशा हमारी टीम को ही भेजते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं ना? ये जो बोल रहे वो भी करेक्ट है सर, हर मुश्किल मिशन पे ही हम लोगों को भेजा जाता है। लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो सब बातें छोड़ो, तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए? इस मिशन को लेकर आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? अब ऑर्डर्स आ गए, हमें इसे कंप्लीट करना ही होगा। आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं कैप्टन, और जब ऑर्डर्स आ जाते हैं कंप्लीट होने तक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा करके बोलते हैं। आप तो बगैर रेस्ट के काम करते हैं, लेकिन हमें तो रेस्ट चाहिए। आप 2 दिन भरपूर एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद मिशन की तैयारी कर लीजिए। आप भी चलेंगे हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मिशन के लिए प्लानिंग करनी है, आप लोग जा सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग बाद में भी तो कर सकते हैं। आप नहीं आएंगे तो अच्छा रहेगा। बाय सर। हे, कैसी? तुम ठीक तो हो ना? अगर घर जाती तो और खुश हो जाती। ठीक है, चली जाना। ये मिशन जो कंप्लीट करना है। हे, कैसी, जल्दी आओ। चलती हूँ सर। तुम लोगों को तो जंगल में होना चाहिए था। हम चारों अगर बार में जाएंगे तो मजा आएगा। मैं भी वही सोच रहा था, इस बार कीत को पूरी तरह पिलाना। इस बार मैं बार में कोई झगड़ा नहीं करूँगा। इस बार मैं भी एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे तुम पियोगी? कब से स्टार्ट कर दिया पीना? मैं हमेशा पीती हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ नहीं पी। क्या तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकता क्या? अरे यार मैं जोक कर रहा था। अच्छा, इसे जोक कहते हैं क्या? तुम बहुत फील कर रहे हो। चलो चलते हैं, कपड़े बदल के आएंगे तब मजा आएगा। अरे इस ड्रेस में जाएंगे तो कोई हमें नहीं देखेगा। सही बोला तुमने। मैं तो इसी ड्रेस में आऊंगा भाई। अरे तुम भी चेंज कर सकती हो यार। मेरी ड्रेस तो ठीक है। अच्छी नहीं लग रही यार तुम पे ये ड्रेस। मैं कह रहा हूँ मेरी ड्रेस बिल्कुल ठीक है। ओ, मुझे आप 2 ग्लास दे रही हैं। हाँ सर। मुझे क्यों स्पेशली ट्रीट कर रही हैं? एक लेने पर दूसरा फ्री मिलता है। अच्छा ये बताओ वो टकला कौन सी ड्रेस पहन के आएगा? Hi. देखो अब कीत आएगा और बहुत टाइट ड्रेस पहन के आएगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ। आने तो दो, देखते हैं। देखो से जैसा बोला था वैसे पहन के आया। वो लड़की शायद मुझे पसंद करती है। इतनी करेक्टली कैसे बोल सकते? उसने ऐसा क्या बोल दिया कि तुम कह रहे हो सही बोला? हम तो आपस में जोक कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे लिए ही बोल रहा था। मैं हमेशा ये तो करता हूँ, कोई नई बात थोड़ी है। आगे बोलो। स्कॉट कह रहा था कि तुम टाइट टी शर्ट पहन के आओगे, तुम बिल्कुल वैसे ही पहन के आए हो। ये ड्रेस पहन के मैं कितना स्लिम लग रहा हूँ पता है तुम्हें? अरे केसी, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ यार। तुम अपना काम देखो। अरे यार यू सो रहे हो, पूरी बोतल पी गए क्या? डिटेल में बताओ तो यहाँ की पूरी दारू इसी ने पी के खत्म कर दी। अब हम इसको नहीं रोक सकते। ये तो पूरा ही पी गया। मैं जितना भी पियो मुझे नशा नहीं होता। मुझे लगता है किसी न किसी को इसको ड्रॉप करना होगा। मैं नहीं ड्रॉप करूंगा इसको, मेरे बस की नहीं है। ठीक है मैं ही ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें तो ले जाना ही होगा, इसके हंगामा करने से पहले इसे ले जाओ यहाँ से। कितनी पीने से चढ़ती है वो मैं जानता हूँ। तो कितनी पीने से चढ़ेगी तुम्हें? वो तो नहीं जानता, मेरे ख्याल से 4 से 6 बोतल में, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही पिए। चाहे तो और भी पी सकते हो। हर चीज के लिए टैलेंट होना चाहिए। ये कोई टैलेंट है? क्यों, ये टैलेंट नहीं है? बहुत, ये भी एक टैलेंट है। कम से कम ये काम तो तुम सही कर रहे हो। ठीक है बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे ड्रॉप कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इससे संभल के रहना। ओके बाय, मैं चलती हूँ। ओके कैसी, चलता हूँ गाइस। एक झप्पी तो देखी जाओ। चुप बे, चुपचाप बैठे उसकी रहो। उसकी किस्मत खराब है, मेरी झप्पी नहीं ले पाई। सोच रहा हूँ कि मैं आज कुछ ज्यादा ही पीऊँ। मैं कुछ ही नहीं रुकूंगा। एक पैक दोगी मुझे? क्यों नहीं दूंगी, अपना फोन नंबर भी दे दो। वो सब आपको नहीं पूछना चाहिए, ठीक है? जाने से पहले दे दो। अच्छा बाद में दे देना। एक शराबी चला गया, तुम बचे हो। आज कोई भी मेरी शक्ल क्यों नहीं देख रही? कभी किसी ने तुम्हारी शक्ल देखी है? थैंक यू। पता नहीं क्या मिक्स किया लेकिन मजेदार था। तुम्हें पसंद आई ना? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं यार। कोई बात नहीं, बताओ ना। जिंदगी तो एक मशीन बनकर रह गई है। क्या यार बुड्ढों की तरह बात कर रहे हो? अरे यार बार में तो एंजॉय करना चाहिए। और बीवी और बच्चा कैसे हैं? क्या बताऊं, बिल्कुल अच्छी हैं। मेरी बीवी ने मुझे टॉय सोल्जर के साथ मेरे बेटे की फोटो भेजी है। वाओ, कुछ भी अच्छा नहीं है। उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी के जैसे नहीं होनी चाहिए। देखो मैं कैसे हूँ, बुरा मत माना, तुम वो ये सब मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन
फैमिली के साथ रहने का आनंद ही अलग है। और तुम? मैं? अभी तक तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड सेट नहीं की है, पता नहीं वो दिन कब आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलेगी। मजाक करते हो मेरे साथ। पहले यहाँ सबको देखो, इस बार में कोई तुम्हें सुंदर नजर आ रहा है? मेरे सिवा देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मान गया। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे बार में तुम किसी एक लड़की को सेलेक्ट करो, उस लड़की को मैं राजी कर लूंगा। ठीक है, वो जो हंस रही है उसको पटा के दिखाओ। वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई। तो फिर उसे देखो, उस लड़की को फंसा कर दिखाओ। किसकी बात कर रहा है यार तू? वही जो ब्लैक ड्रेस में है। कहाँ यार? तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे। ओके, चलो हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, उस लड़की को मैं पटाऊंगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे जिसने काली ड्रेस पहनी है? उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ कोई है। जिसके साथ भी हो मुझे क्या यार? मुझे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, झगड़ा मत करना। झगड़े से मैं नहीं डरता यार। हे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। मैं एक बार शर्त लगाता हूँ तो कभी पीछे नहीं हटता। हे रुको। आया बड़ा तीज मार काम। हेलो, ये आपके लिए। ओह थैंक यू। अबे कौन है तू जोकर की तरह बीच में टांग अड़ा रहा है? मैं उससे बात कर रहा था ना। जब तुम उससे बात कर रहे थे तो वो मुझे देख रही थी, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो मुझे पसंद करती है। तुझे क्यों पसंद करेगी? अबे मतलब फाइट करनी पड़ेगी। अभी तक मेरा होटल नहीं आया क्या? तुमने एड्रेस सही बताया होता तो अब तक पहुंच गए होते। उस होटल का एड्रेस मुझे ठीक तरह से नहीं पता। क्यों, तुम अपने घर नहीं जाते? मेरा घर बहुत दूर है। जब तक तुम अपना एड्रेस बताओगे तो तब तक सुबह हो जाएगी। आज मेरे घर में रुको। ये तो गया काम से। सबको मात दे दी ना। यही है तुम्हारा घर? क्यों, पसंद नहीं आया? अपने घर में जगह देने के लिए थैंक्स। तुमने फुल पी रखी है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। एक अच्छे लड़के की तरह सो जाओ और सुबह निकल जाना। मैं हमेशा अच्छी तरह से ही रहता हूँ यार। गन क्यों लेके आए? मैं अपनी सेफ्टी खुद ही देखता हूँ। जैसे कि पूरा शहर तुम्हारा दुश्मन हो। अब कहाँ जल्दी? मैं फ्रेश अप होके आ जाती हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम ऐसा कह रही हो ना, मुझे हंसी आ रही है। मैं फ्रेश अप होके ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तुम बगैर ड्रेस के भी अच्छी लगती हो। चल चल के, मेरे पैर घिस गए, बहुत थक गई हूँ। इतनी जल्दी थक गई? अभी तो हम आए हैं। वैसे भी इतनी दूर चलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें साथ लाया हो ना, ये मेरी बदकिस्मती है। वो तो ठीक है, वैसे यहाँ पर कैसी मछलियाँ मिलती हैं? पकड़ने के बाद मैं उनके नाम बताऊंगा तुम्हें। वाकई तुम्हें उसके बारे में मालूम नहीं है? नहीं। तो फिर अपने साथ ये 9 गैलन क्यों लेकर आए हो? सेफ साइड में 9 लेकर आया हूँ, लेकिन एक ही काम कर रहा हूँ। तुम पागल हो क्या? पता चल जाएगा। खाने के लिए कुछ लाए हो ना। एक बिस्कुट पैकेट लेकर आये, हम दोनों शेयर कर लेंगे उसे। एक बिस्कुट पैकेट को दोनों शेयर करेंगे। सुपर। हाँ। मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ जो शेयर करूंगी। एडजस्ट करो ना। खाने के लिए तो जी रही हूँ, तुम मुझे गुस्सा कर रहे हो। कहने से क्या फायदा? चलो ठीक है, अब मेरे पीछे भी मेरी बात कभी सुनती भी हो क्या? चलो अब बस भी करो। आज हमारा लक अच्छा है, सामने देखे घर है। कोई पुराना खंडर लग रहा है ये तो। उधर देखो, तुम्हारी जैसी एक बॉडी है। मेरी बॉडी तुम्हें पसंद है इसलिए तो मेरे पीछे पड़ी हो। मुझे लगता है वो सच में एक डेड बॉडी है। चलो देखते हैं। तुम पुलिस को फोन करो, मैं जाके देख के आता हूँ। अरे यहाँ तो सिग्नल नहीं है। ए, कौन है तू? मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तुम यहाँ खींच रहा है। अरे आप तो
डॉक्टर लग रहे हैं, फिर उसका फोन क्यों किया? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर। मुझे पता चले बिना इतनी दूर आ गए तुम? अब तुम कर क्या रहे हो? एक्चुअली है कौन? ए, जवाब दो, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। और 10 मिनट का समय बचा है, यहाँ सबके लिए की कानून चलता है। तुम्हें प्रमोशन दे, मैं प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो, तुम इस फाइल को यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। अरे सुनिए, यहाँ जो फाइल से हमारे सेक्टर से संबंधित है। तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये फाइल नहीं लेके जा सकती यहाँ से। हाईएस्ट डिग्री की मिलिट्री फाइल्स भी यहीं पर है, अब उनको भी हाथ नहीं लगा सकते। मुझे कोई और फाइल नहीं चाहिए, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं जा सकता हूँ ना? ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ब्राउन, तुम ऑफिस में ही हो ना? अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। गुड बॉय। बंदूक के नीचे फेंको। चाहे आप मुझे जान से भी मार डालें, मैं तुमको ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं दोबारा फोन करता हूँ। आपकी टीम डिसेंसी का मतलब नहीं समझती, नॉक करके अंदर आना चाहिए, ये भी नहीं समझते? ये क्या है? यहाँ पे जो 3 लोग आए थे वो इसी के लिए आए थे। तो फिर वो क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, हम जो नया मिशन शुरू करने वाले उससे संबंधित है। एक्चुअली तुम कहना क्या चाहते हो कैप्टन? इस मिशन से संबंधित सारे पेपर्स आपने दिए होंगे सोचा था। हमने आपको सब डिटेल्स में दिया। तो फिर रॉन को मारने की कौन कोशिश कर रहा है? आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं, आप हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन, आप ये जो कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो कि पहले तुम अपना काम ठीक से करो या नहीं। मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ के ही करता हूँ। बाहर जा सकते हो कैप्टन। कैप्टन चलिए। अब तो तुम्हें इस मिशन पे शक हो गया होगा ना? वो लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, मुझे पता लग गया। मतलब इस मिशन का गवर्नमेंट से संबंध है? ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है हमें पता लगने नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो डॉक्यूमेंट हम क्यों ना ओपन करके देखें? नहीं, रिकी को पता चल जाएगा और रिकी मेरे फादर को बोल देगा। रूल्स का पालन करते हुए हम ही सब बातों का पता लगा लेंगे। बहुत अच्छी सोच है। मैंने कोई गलती नहीं की, उन लोगों ने मुझे भड़काया था। वैसे वहां पर लड़कियां बहुत सुंदर थी, पता है? हाँ, भी बहुत सुंदर हैं। मेरा हाथ जल्दी खोल देंगी, मुझे पता है। केत, सुंदर लड़की हथकड़ी पहना दिए तो कितना अच्छा लगता तुम है। तुम सही कह रहा हूँ केत। अब आगे कुछ मत कहना, चुप हो जाओ। थैंक यू सो मच। पकड़े गए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पता है? नहीं पता नहीं, लेकिन मैं समझ सकता। आइंदा मुझे कॉल मत करना, इससे कहो कि अपनी जुबान बंद रखे। तो फिर मैं फोन करूँ ना? चुप रहो। अरे माय डियर, तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। तुम्हारे होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लड़की मुझे पसंद करके जा रही है। अरे फोन नंबर तो दे दी जाओ। केत, अब मुझे कोई एडवाइस मत करना। केत सुनो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जल्दी बोलो। हाँ, कि तू एक पागल है, उसका दिमाग तो हमेशा खराब रहता है। मैं एक बात बताऊं, तुम्हारी बातों से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा धैर्य से काम लो कीत। क्या धैर्य से काम लूं मैं? मतलब मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं है? मतलब तुम कैप्टन हो तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा? मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करके बहुत परेशान कर रहे हो। तुम सोच समझ के बोल रहे हो ना? तुम जरा चुप रहो। तुम लोग हमारे बेस पे जाओ, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक वहीं मेरा इंतजार करना। तुम्हारे आने तक वहीं तो रहना पड़ेगा, ऑर्डर जो है। क्या बक रहे हो? अब जाएंगे भाई,
मैं अब तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अब तो ये भी नहीं देखूंगा कि तुम कैप्टन हो। बहुत हो गया कीथ। क्या कर लोगे तुम? यहाँ जाओ वहाँ जाओ कह के हमेशा हम पे ऑर्डर चलाते हो। हर काम हम मेहनत से करते हैं पर प्रमोशन तुम मार जाते हो। क्या तुम समझते हो ये? कभी भी तुम मुझे इज्जत देने की नहीं सोचोगे क्या? अपने चप्पल को देखो, इस पैर की चप्पल की तरह तुमने हमेशा मुझे वैसे ही ट्रीट किया है। लेकिन एक बात बोल देता हूँ, तुम्हें जो प्रमोशन मिला है ना वो मेरी मेहनत की वजह से मिला है। तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, ये प्रमोशन, ये कैप्टन की पदवी, ये गौरव, ये सब तुम्हें नहीं तुम्हारे पिताजी को देख के दिया है। बेवजह मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे मारता है। मैं जो कह रहा हूँ छोड़ो, मेरी बात सुन के जाओ। सुनो मेरी, रैन तुम वापस आ जाओ। रैन तुम आ जाओ, देखो कितने प्यार से पुकार रहा है। अब देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी। क्या हुआ तुम्हें, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब और क्या दिमाग खराब होगा, अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ना। उसने क्या कभी हमारी भलाई का सोचा है? हमेशा डेंजरस मिशन पे भेजता है। जेल से तो बचाया उन्होंने। वो सब बेकार है। वो हमारा कैप्टन है। वो तुम्हारा ही कैप्टन बन के रहे। मेरा कोई कैप्टन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। डैडी, स्कॉट तुम ही बोल रहे हो ना? आपकी वॉइस शेक हो रही है। हाँ बेटा, मेरी उम्र होती जा रही है। आप कैसे हो डैडी? अब तक तो ठीक हूं बेटा, मगर तुम्हें मिस कर रहे हैं। मॉम कैसी हैं? वो भी ठीक ही है बेटा। तुम जल्दी घर आ जाओ बेटा। मैं नहीं आ सकता डैडी। सेल्फिश बातें मत करो, तुम्हें मिलिट्री में रहने की जरूरत नहीं है। डैडी मुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसका पता चला है। मैं जीवन में जहां रहना चाहता था आज मैं वहीं पर हूँ डैडी। तुम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, समझ रहे हो ना तुम? मेरी बात को समझते हुए घर जल्दी आ जाओ बेटा। डैडी मैं जान की कीमत आपसे ज्यादा जानता हूँ। मैं अपनी जान से ज्यादा देश के लोगों की जान को ज्यादा महत्व देता हूँ, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है डैडी। आपको प्राउड फील करना चाहिए डैडी। मुझे तुम पे नाज है बेटा। मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? थैंक्स, मैं देख लूंगी। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है। वैसे आप कौन है? मैं आसपास कैर से आई हूँ। आसपास? हमारे क्लिनिक का वही नाम है। वो कैसी है? पहले से अभी बेहतर है। आप पेपर डालने वाली हैं? नहीं, मैं उनकी पोती हूँ। अंदर आइए। उनकी एक पोती भी है, उन्होंने कभी नहीं बताया। ये उनकी गलती नहीं है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन 4 साल से मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। आप कुछ पीना चाहेंगी? नहीं, कोई बात नहीं। आप ऊपर जाकर उन्हें देख सकती हैं।
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है ग्रैंडमा। इतने दिनों से मैं आपसे मिलने भी नहीं आई, मैं क्षमा भी नहीं मांग सकती। तुम मेरे बारे में ही सोचती रहती हो, मुझे पता है। अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भला बुरा समझने वाले मेरे दोस्त हैं। हम हमेशा झगड़ते हैं, फिर खेलते हैं। हम वैसे रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। कुछ ही दिनों में मैं एक और मिशन पे जा रही हूँ। अल्फा स्क्वाड में मेरा ये आखिरी मिशन है। अगर मैं जिंदा लौटी तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम वहां से जिंदा वापस आ जाओगी। मेरा चश्मा कहाँ है? ये देखो, यहीं पर है। हाय, कैसी हो ग्रैंडमा? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम नई आई नर्स हो क्या? ये क्या कह रही है ग्रैंडमा? काले बालों वाली कहाँ गई? मुझे आई ड्रॉप डालना भूल गई। ग्रैंडमा, मैं आपकी पोती केसी हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बिल्कुल मेरी पोती जैसी लग रही हो। वो भी बहुत खूबसूरत है। तुम ठीक तो हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ। रो मत। हाय। व्हाट्स अप? बहुत देर हो गई, तुम्हें आए? नहीं, अभी अभी आया हूँ। ग्रैंडमा से मिली? हाँ मिली। अब उनकी तबीयत कैसी है? अभी बेटर है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? आजकल वो किसी को पहचान नहीं रही है। June 18, 2013, नया प्रयोग है। ये बहुत डेवलप हो चुका है। सब्जेक्ट 40C3, दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करने पर जो मैंने सोचा भी न था वैसे परिणाम आ रहे हैं। अभी 7 घंटे पूरे भी नहीं हुए, पूरा स्किन बहुत टाइट होके बदल रहा है। उसके बाद पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगले 2 दिनों में पूरा शरीर लोहे के रूप में बदल जाएगा। उसकी दृष्टि बहुत ही खतरनाक होगी, लेकिन दिखने में बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है। मैंने इसे बनाया है और ये मुझे ही शत्रु समझ रहा है, लेकिन कुछ मनुष्य की यादें उसमें अभी भी है। मैंने उस पर जो प्रयोग किया है वो उसे बहुत अच्छी तरह से याद है। वो मुझे ऐसे घूर रहा है कि वो मुझे खा लेगा। वो मुझे मार डालने की सोच रहा है, उसके आंखों से पता चल रहा है। अगर मैं उसके हाथ लग गया तो वो मुझे बर्बाद करने की सोच रहा है। और 2 दिनों में मेरा प्रयोग सफल हो जाएगा। बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहता था। तुम अपनी मैरिज रिंग क्यों नहीं पहनते? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना? देखो, गले में तो डाला हुआ है। गले में क्यों डाल रखा है? दिल के करीब होता है इसलिए। बड़ी अजीब बात कर रहे हो यार। तुमने तो शादी नहीं की, क्या पता तुम्हें ये सब। केत,
कल रात को क्या हुआ मुझे बताओ। इसे किसी लड़की ने घास नहीं डाली इसीलिए गुस्सा आ गया। उस गुस्से में इसने चार लोगों से फाइट की इसीलिए पुलिस ने इसे हथकड़ी डाली। फिकर मत कर यार, एक दिन तुझे भी फंसा के ही जाऊंगा। तुम्हारे बस की नहीं है। ओहो, आ गए प्रेम कबूतर। लगता है सारी रात सोई नहीं है। बोलो ना। तुम्हारी तरह मैंने कल रात जेल में नहीं गुजारी। अरे मैं जेल गया था तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि तुम एक फेमस फिगर हो कीत। सही जवाब। तुम अपनी पब्लिसिटी खुद ही कर लेते हो। क्या कहा? कहते हैं हम अच्छे तो जग अच्छा होता है। तेरी बातें झेल लेते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। बको बको, जो बकना है बको। अकेला पड़ गया हूं, अब क्या कर सकता हूं। कैप्टन, कर्नल, आपने मुझे बुलाया। कैप्टन, जिस मिशन पर तुम जा रहे हो उसकी पूरी डिटेल्स तुम्हें अभी नहीं दी गई है। आपका कहना है कि हम ये मिशन कंप्लीट न करें? हमें पता चला है कि तुम जिस मिशन में जा रहे हो उसके बगल वाले गांव के लोग गायब होते जा रहे हैं। वो गांव आपके टारगेट के बगल में ही है। ये बात आप हमें पहले ही बता चुके हैं। लेकिन मीटिंग में हमने ये बोला था कि ये मिशन केवल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए है। लेकिन हकीकत वो नहीं है। हमें फोटोग्राफ के साथ एविडेंस मिले हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में से एक इन्फॉर्मर ने हमें ये खबर दी है। रहस्य डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद हमें ये पता चला कि यूएस गवर्नमेंट का इसमें हाथ है। एडवाइजर, वो इन्फॉर्मर कौन है? उसका नाम बाहर नहीं बोल सकते क्योंकि तुम भी डिपार्टमेंट के ही आदमी हो। मैं क्यों नहीं बता सकते, समझ सकते हो तुम। एक बात ध्यान से सुन लो कि ये कोई मजाक नहीं है। तुम अपनी टीम को समझाओ कि इस मिशन पर ना जाएं। इतने समाचारों में से कोई भी समाचार असली नहीं लग रहा है, असलियत हम पता लगाएंगे। ये डेंजरस मिशन है डैडी, हमारी जान को कोई खतरा नहीं। तुम आगे का संभालो। कीत, तुम दाईं ओर संभालो। ओके। रॉन, तुम बाईं ओर संभालो। कैसी और मैं पीछे देखेंगे। सब पोजीशन ले लो। टारगेट को देखिए। रॉन, तुम्हारे फ्रंट पोजीशन में टारगेट है क्या? देखो। ओके। अल्फा स्क्वाड, 15 मीटर आगे जाके देखो। ओके। सब लोग मूव कीजिए। ऑलराइट, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। मैं पीछे की तरफ देखूंगा। आप हमेशा पीछे ही देखते रहते हैं। मुंह बंद करके चुपचाप अपना काम करो। फोकस फोकस फोकस, जल्दी चलो।
कैप्टन, कुछ मिला क्या? कोई यहाँ प्रयोग कर रहा है। ये सब के सब टेस्ट रिजल्ट्स हैं। कैट्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, सब जंतुओं पर प्रयोग किया गया है, इंसानों पर भी किया है। इससे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसका हमें पता लगाना होगा। उसमें उनके कुछ डिटेल्स हैं क्या? इसमें कोई डिटेल्स नहीं है, नाम पता कुछ नहीं है। इसमें कुछ नंबर्स है जो कोड के रूप में लिखा गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है यहाँ कुछ लोग हैं। ओवर। इस वक्त तुम किस पोजीशन में हो? टारगेट का पीछा कर रहा हूँ। Under military control. चुपचाप वहीं रुक जाओ। घुटनों के बल बैठ जाओ। सब लोग कौन हैं? स्कॉट को आने का बोलो, हम लोग निकल जाएंगे। हेडक्वार्टर्स को फोन करके यहाँ की सिचुएशन बोलो। अल्फा टीम से बोल रही हूँ, हमें किसी ने टारगेट किया है, हम लोग वापस आ रहे हैं। ओह गॉड, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? लगता है रेडियो काम नहीं कर रहा। आखिर तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? उड़ा देना चाहिए था ना। बहुत सारे आ रहे हैं, चलो अंदर घुसते हैं, चलो। तुम पागल हो गए क्या? हम मिशन बंद कर रहे हैं। ना मर्दों की तरह मिशन बंद करने को कह रहे हो? कुछ से नहीं होगा। मैं कैप्टन हूँ, मैं बोल रहा हूँ मिशन को यही खत्म करो। अपनी बहस बंद करके एक डिसीजन लो। हम उनका सामना कर सकते हैं, हम उनको खत्म करके अपना मिशन कंटिन्यू करेंगे, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ऑलरेडी हम रान को खो चुके हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम अटैक करेंगे। स्कॉट, तुम अंदर जाके फ्रंट लाइन को देखो। ओके। कैसे, तुम उसके साथ रहो।
ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मेरी बात तुम नहीं सुन रहे हो। क्लियर। क्लियर। यहां पर भी कोई नहीं है। अब तुम लोगों ने ये देख लिया ना, इसका डिटेल कोई बता सकता है? एक्सपेरिमेंट्स, उनके ऊपर प्रयोग किया गया है। उनका शरीर पूरा जहर से भर गया है। ये कैसे एक्सपेरिमेंट? वो एक दवाई है, जो 5 इन्वेस्टर गायब हो गए हैं, ये उन्हीं का काम है। दवाई का मतलब? वो कोई डेंजरस दवाई है? हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके हिसाब से वो बहुत डेंजरस है, उमर बढ़ने नहीं देता। उन लोगों पर किन लोगों ने प्रयोग किया है उनका पता करना होगा। ये दवाई इंसानों के सेल्स के ऊपर प्रयोग करके उम्र को बढ़ाने से पूरी तरह रोकती है। वो दवाई जो लेते हैं सुपर ह्यूमन बनते हैं। जैसे तुम कह रही हो, अगर वो सुपर ह्यूमन हो जाए भी तो गोली चलाने पर खून निकलेगा और फिर वो मारा जाएगा। और इनको देखो, जितने भी गोली चलो मरते ही नहीं। अब मेरी समझ में एक बात आ रही है, बगल वाले गाँव में क्यों लोग गायब हो जा रहे हैं और वो इन्वेस्टर्स कहाँ गायब हो गए, उन सबका कारण यही हो सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं और कैसे आगे जाके पहले सर्च करेंगे, तुम लोग पीछे का ख्याल रखना। तभी हम पता कर सकते हैं। क्लियर। क्लियर। वहां कोई सुराग नहीं मिला, अंदर कोई प्रयोग नहीं हो रहा। हो सकता है सारे लोग यहाँ के मारे गए हों। जिनको हमने बाहर देखा था वो यहीं से गए होंगे। यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। साक्षियों को शायद गायब कर दिया गया हो। वो हमें और हमारे गन्स को देखकर नहीं डर रहे हैं, तो फिर वो साक्षियों को क्यों तबाह करेंगे? ओके, तो फिर हम नए सिरे से शुरू करेंगे। आप दोनों भी आगे जाके देखिए, मैं पीछे की ओर जाके देखता हूँ कि कोई प्रूफ मिलेगा कि नहीं। ऑलराइट, निकलते हैं। गाइस इधर देखो, यहाँ काफी डेड बॉडीज हैं। केसी इधर आ जाओ। आ रही हूँ। ये कैसे मरे कुछ पता नहीं, एक भी जिंदा नहीं है। लगता है ये कोई प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। ये सब किसने प्लान किया होगा? कोई भी मुझ पे गोली न चलाए प्लीज। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मुझे अकेले को मारने के लिए तुम तीनों को निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? किसी के बारे में पूछने से पहले अपना परिचय देना चाहिए, ये नहीं जानते क्या? एक गोली उतारूंगा तब परिचय दूंगा तुम्हें, सिर्फ एक ही बार और पूछूंगा। सच बताओ तुम कौन हो? ओके, मेरा नाम डॉक्टर निकोलस बर्गमैन, सब लोग मुझे बर्ग कह के बुलाते हैं। इन सब का तुम ही कारण हो क्या? ये पूरा का पूरा मेरा बनाया हुआ साम्राज्य है। आप सब लोग भी इस वक्त मेरे साम्राज्य में। बगल वाले गांव के लोग गायब हो रहे हैं, इसका कारण आप हैं क्या? आपने उन इन्वेस्टर के साथ हाथ मिलाया क्या? गलतियां होती रहती है, मुझे इन्वेस्टर्स चाहिए इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने जो मेरा पैसा आ रहा था उसे रोक दिया। इसीलिए हमारे बेस पर गवर्नमेंट ऑपरेटिव्स ने अटैक किया था। गवर्नमेंट ऑपरेटिव्स क्या? जो मुझे पैसे देते हैं उस ब्रांच के लोग होंगे। बेवजह की इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी हो वो उन्हें पसंद नहीं। इस गांव की मासूम और गरीब जनता पर तुमने अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग किया? इस प्रयोग को करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन गांव के लोगों पर प्रयोग करने से पहले मैंने अपने शिष्यों पर प्रयोग किया। एक अच्छे काम के लिए जान लेना कोई बुरी बात नहीं है। पहले तेरी जान लेनी होगी। आप तीनों ने वो डॉक्यूमेंट देखे कि नहीं? अगर देखा होता तो पता चल जाता, मेरे रिसर्च से सारी दुनिया बदल जाएगी। जो काम भगवान भी नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। फाउंटेन ऑफ यूथ का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट का बेटा हूँ मैं। मैंने तो आज तक वो नाम नहीं सुना। शायद तुमने ना भी सुना हो, क्योंकि मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में
हिटलर की आज्ञा से एक सीक्रेट लैब की स्थापना हुई जो अमर रहने की दवाई बना सके। उसके सैनिक हमेशा के लिए अमर रह जाएं इसलिए एक दवाई तैयार करो, उन्होंने बोला। लेकिन वो शुरू में ही बंद हो गया और वो प्रयोग हद से बाहर हो गया। आखिर में उस प्रयोगशाला को बंद करना पड़ा, लेकिन मेरे पिताजी ने उनमें से कुछ सैंपल्स को छुपा के रखा। हार रहे जर्मन देश में वो अपने काम को आगे न बढ़ा सके, इसलिए वो अमेरिका पहुंच गए। तुम मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ, सैंपल्स चुरा के वहां से निकल भागना इतना आसान काम नहीं है। जी हाँ, वैसे तुम भी ठीक कह रहे हो। उसके लिए मेरे पिताजी ने एक रिस्क लिया, किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने अपने शरीर के अंदर ही उस सैंपल्स को छिपा लिया। साइंस फिक्शन पिक्चर की कहानी बता रहे हो? उन्होंने जो अपने शरीर में चढ़ाए थे वो सैंपल्स, अब वो मेरे नसों में है। मैं अब 66 साल का हो गया हूँ। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं 66 साल का हूँ, तुम्हारी तरह कोई भी भरोसा नहीं करता। ये प्रयोग पूरी तरह नहीं हो पा रहा है और वो लोग बीच में ही मर रहे हैं। हमने जिनको बाहर देखा था वो लोग यही हैं। हमारा काम हो गया है, इसको पकड़ लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। ओके? ये क्या, तुम लोग आपस में ही बात कर रहे हो? अगर आप लोग मुझे पकड़ लोगे तो ये प्रयोग यही खत्म हो जाएगा, ये समझ रहे हैं? अब तुम क्या बकबक कर रहे हो? मेरी वजह से कई लोग करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने इस दवाई को दुनिया के सब डीलर्स को बेच दिया है और मुझे बहुत पैसा भी मिल गया है, फिर भी वो पैसा मेरे लिए काफी नहीं है। आतंकवादियों के साथ भी हाथ मिलाया है? पैसों के लिए इतना नीचे भी गिर सकते हो? दरअसल मुझे और पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने ये प्रयोग शुरू किया। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट मुझे पैसा दे देती तो किसी को ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। दुनिया को हिटलर ने जिस तरह हिला के रख दिया था, ये वायरस भी उसी तरह दुनिया को हिला के रख देगा। एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आ रहे, शूट करो। संभल के, संभल के, संभल के। उनको शूट करो।
जल्दी बाहर निकलना होगा। रुको, हाथ ऊपर करो। पहले तुम अपनी गन नीचे फेंको। तुम मुझे ऑर्डर मत दो, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे साथ साथ इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता, और मुझे जिंदा यहाँ से ले जाना तुम्हारे पास की बात। तुम इतने भी आस मत रखो, तुम्हें जिंदा कैसे ले जाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कितना खास है तुम्हें नहीं मालूम। तुम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो फेल हो गया है, इसीलिए तो कह रहा हूँ यहीं पे बंद कर दो। मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ होगा लेकिन वो बहुत फेमस हो गया कैप्टन। मैंने जो वायरस का पता लगा है उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। बहुत हो गई तुम्हारी बक 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 मैन, पांच गिनने से पहले तुम घुटनों के बल बैठ जाओ। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुमने रिसर्च सेंटर देखा है ना, तो फिर डॉक्यूमेंट्स भी देखे होंगे। मेरे पास जो दवाई है वही उसका तोड़ है, और वही अब इस दुनिया की जरूरत है। आजा देख लेते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? उसने मुझे काट लिया है। तुम डरो मत, जरा मुझे दिखाओ। वहां बहुत दर्द हो रहा है। ये स्प्रेड हो रहा है, जल्दी अपना बैग निकालो। छोड़ो इसे, टाइम नहीं है। तुम तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान करे कैप्टन को भी कुछ ना हुआ हो। कैप्टन कहाँ है, मैं ढूंढना होगा। गोली चलाते वक्त एक बात का पता चला, जब सर पे निशाना लगा के गोली चलाते हैं तो फिर कोई नहीं उठता। अब तुम भी उसी तरह गोली चलाना। हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा। चलो जल्दी चलो। स्कॉट, ये गन भी अपने पास रखो। तरफ देखो जरा। डॉक्टर बगमैन बोल रहा हूं। हाँ, वायरस अब सेकेंड कैटेगरी तक पहुंच गया है।
मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। हम दोनों मिलके इस दुनिया को बदल डालेंगे। ये तो पूरा हैवान लग रहा है। Thank you.
मिस्टर हुगर, आपका बेटा घर लौट आया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जिंदा तो वापस लौटा है ना? तुमने हमारे कानून का उल्लंघन करते हुए बेस पर आदमी भेजे, हमारे आदमियों को हमारे खिलाफ कर दिया। वैसे आप कहना क्या चाहते हैं? तुम एक बात जानती हो, अल्फा टीम से जो लोग बाहर आए हैं उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। 5 दिन पहले मैंने न्यूज में एक आदमी को दूसरे आदमी को काट कर खाते हुए देखा। क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे इसलिए लोकल पुलिस ने उन पर फायरिंग की, क्योंकि वो भयानक किस्म की हरकतें कर रहे थे, शूट करने पर भी मरे नहीं। तभी मुझे भरोसा हुआ, तब मुझे पता चला कि इन सब का कारण तुम हो और तुम चुपचाप रहे। बच्चे बूढ़े जवान, एक मिनट में लाखों लोग मर रहे हैं। ओह माय गॉड, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये दवाई मैं तुम पे छिड़कूंगी, इससे तुम मरोगी नहीं। एलेक्स, एलेक्स उठो, तुम ठीक हो? एलेक्स उठ जाओ ना, मुझे देखो, उठकर मुझे देखो, अपनी आंखें खोलो, उठ जाओ, वो आ रहे, जल्दी उठ जाओ बेटी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी, इनसे बचा लूंगी मैं तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। एलेक्स, एलेक्स उठो बेटी। वैसे आप कहना क्या चाहते हैं? अल्फा स्क्वाड टीम निकोलस बग का पता नहीं लगा पाए, इल्जाम लगाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। इल्जाम लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, अपने सुपीरियर के ऊपर डाल सकते हो, उन्होंने ही तो छुपा के रखा कई सालों से। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका 3 साल में बर्बाद हो जाएगा, उसका आप क्या समाधान करेंगे? सुन रहे हो ना, वो चीखें, वो रोने की आवाज, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें उनके बीच में उठा के डाल सकता हूं। रहने दो, हमारी टीम तुम्हारी मदद करेगी। जल्दबाजी मत करो, तुमसे बात करने के लिए कोई इंतजार कर रहा है। मैं कौन हूं याद आया? तुम्हारे ऑफिसर को मारने के लिए तुम्हारी मदद की थी, तुम हमारे बेस में ही आकर हम में से एक को तुमने अपना बना लिया। अब मैं जो पूछूंगा उसका साफ साफ जवाब देना, मैं जो भी पूछूं उसका जवाब मैं नहीं जानता ये नहीं बोलना। इस वायरस को दुनिया में फैलने से कैसे रोका जा सकता है? बर्गमैन किसके लिए यह प्रयोग कर रहा है? क्या तुम ही करवा रहे हो यह काम? मेरे सवाल का जल्दी जवाब दो। ओके, तुम इस तरह जवाब नहीं दोगे मुझे, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा तभी तुम अपनी जबान खोलोगे। कहां लेके जाओगे? हम फिर उस बगमान के प्रयोगशाला में जाएंगे। तुम कहीं भी जाओ तुम्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा। डॉक्टर निकोलस बर्गमैन,
संसार के सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने जो पैसा मुझे देने का वादा किया था, उम्मीद है वो पूरा देंगे। मैं अपनी जबान का बहुत पक्का हूँ। आपने जो पैसा मांगा था ये रहा। मेरे जो 5 सब्जेक्ट भेजे थे, ओके है ना? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। भूल गया, उन मिलिट्री वालों की तरफ से कोई खतरा तो नहीं हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। उन्होंने अपने स्टाइल से मुझे अटैक किया, मैंने अपने स्टाइल से उन्हें बंद किया। घबराइए मत, अब उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर ठीक है, आगे क्या करना है? अनजानों जैसी बातें कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर देगा। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, सारी जनता मदद के लिए पुकारेगी और तब हम ये उन्हें देंगे। डॉक्टर बर्गमैन, वेलकम टू इल्यूमिनाटी। अब ये सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। आप ही डेल्टा है क्या? मैं तो समझा आप हाई कमांडर्स हैं। प्रॉब्लम भी हाई लेवल की है, इसलिए तुम ऐसे समझ सकते हो। हमारी टीम के 8 सोल्जर अब तक मर चुके हैं। मेरे जीते जी मैं किसी और को मरने नहीं दूंगा। ये बात है। वो ब्राउटी का क्या हुआ? उस पूरी टीम को 2 दिन पहले ही एजेंसी एरिया में ट्रांसफर कर दिया। कल रात से मैं और पार्सन हम दोनों ही बचे हैं, और उसको भी वायरस का अटैक हुआ है। और मैं कल रात से देख रहा हूँ, कोई ना कोई हमें बचाने के लिए आ ही जाएगा। हर पल डर डर के गुजार रहा हूँ। क्या हम उस वायरस का अंत कर सकते हैं? हैंड्स अप! मैं कहता हूँ कि अपने हथियार नीचे डाल दो। तुम ही तो बोल रहे हो, हथियार नीचे फेंको। आपने क्यों उस पर गोली चलाई? वो इंसान ही नहीं है। तुम कैसे जानते हो? अपने सैनिकों को बोलो कि कंट्रोल में रहें। ऐसा क्या? अपने आसपास देखो जरा। मिलिट्री वालों की तरह बर्ताव करोगे तो अच्छा रहेगा। Ha 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 ha